बहन उठ। अब क्या हुआ तुझे? उठ जा यार, दवाई दे दे, सर बहुत दर्द हो रहा है। दवाई? हाँ यार, तबीयत बड़ी खराब सी लग रही है, सर में दर्द हो रहा है। तो तू दवाई लेकर आराम कर लेना। यार मैं आराम तो करना चाहता हूँ, पर मेरा होमवर्क अभी पूरा पेंडिंग है और कल संतोष सर की क्लास है, और अगर उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ ना तेरे बहुत मारेंगे। अच्छा तो तू टेंशन मत ले, मैं तेरा होमवर्क कर दूंगी। अरे तू आराम कर ले। नहीं नहीं प्लीज, तू मत कर यार, मैं खुद कर लूंगा, कोई बात नहीं है। तू पागल है क्या? मैं कर दूंगी, मैंने कहा ना, तू आराम कर ले। थैंक यू यार। बेबी अब बताओ क्या कह रही थी? होमवर्क? होमवर्क तो हो गया, तुम बताओ ना तुमने क्या खाया आज? कर देना बहन। नहीं करूंगी। कर देना बहना, प्लीज कर देना। बोल दिया ना तुझे, नहीं करूंगी। कर देना बहना, प्लीज कर देना। अच्छा ठीक है, चले आ। और हाँ, इस बार तो सिग्नेचर कर दिए हैं, हर बार मैं पापा के नकली साइन नहीं करूंगी। अगली बार से पढ़ के जाइयो एग्जाम देने। ओए सुन, ये भारत है, यहाँ घूस देके कुछ भी हो सकता है। अपनी घूस ले ली ना, काम कर दिया, निकल यहाँ से। अवनीश, मेरे स्कूटर का क्या हुआ? क्लच वायर ठीक कराने को बोला था ना तुझे? पापा यार वो स्कूटर कबाड़ हो चुका है, वक्त आ गया उसको बेच के कुछ नया ले आते हैं। पर अच्छा लगेगा इस उम्र में मैं साइकिल पे घूमूंगा तो? पापा मैं साइकिल पे घूमने को कब कह रहा हूँ, पापा उस स्कूटर को बेच के कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और एक नई बाइक ले आते हैं। जरा पता तो कर नई बाइक कितने की आ रही है। नहीं पापा, बाइक नहीं स्कूटी आएगी। स्कूटी क्यों आएगी? क्योंकि मुझे भी कॉलेज जाना होता है और स्कूटी मुझे भी चलानी आती है। पापा तो इससे क्या होता है, इसको मैं कॉलेज छोड़ के नहीं आता हूँ, रोज इसको कॉलेज छोड़ता भी, और एक बजे जब इसकी कॉलेज की लड़कियों की छुट्टी, मतलब इसके कॉलेज की छुट्टी होती है जब इसकी, तो मैं इसको वापस घर भी लेकर आता हूँ। लेकिन पापा अगर स्कूटी हम लेते हैं तो स्कूटी तो मम्मी भी चला सकती है। तो भाई हो गया फैसला, बाइक आएगी। थैंक यू पापा, मैं सबसे अच्छी बाइक देखता हूँ रीजनेबल प्राइस पे। वैसे लेनी कब है पापा? बस एफडी तुड़वाते ही अगले साल तक ले लेंगे। ठीक है। अच्छा सुन, वो स्कूटर का क्लच वायर ठीक करा दियो। तो यार घर के बाहर खड़ा हूँ, थोड़ी सी ड्रिंक कर ली, पापा को पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज गेट खोल दे। कुछ नहीं हो सकता तेरा, चला आ रहे हो। थैंक यू यार बहन, दरवाजा खोलने के लिए तेरी जगह यार, अगर पापा दरवाजा खोलते ना तो मारते मारते पीठी फाड़ देते। यार अपना बाप इतना जल्लाद जवान है कैसे यार, कि जैसे ही मेरे को देखता ना मेरा मुंह फाड़ के नाक डाल के सूंघने लगता, बता क्या पी क्या है, बता क्या पी क्या है। कभी कभी तो अपने जल्लाद बाप पे इतना ज्यादा गुस्सा। पापा मैंने अपना काम कर दिया, अब अच्छे से सोना है इसे, मैं तो चली सोने। जल्लाद हैवान। पापा नहीं, आपको नहीं बोला पापा, कसम से। अभी तक तो नहीं था बेटे, पर अब बताता हूं क्या होता है हैवान और क्या होता है जल्लाद। पापा नहीं, आपको नहीं बोला पापा।
अंधा है क्या? ओए किस पर चिल्ला रही है तू? अच्छा सर गुस्सा क्यों हो रहा है? खाना रखा है, खाना खा लियो नहीं ठंडा हो जाएगा। ओए सुन, तुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे कब खाना और कब सोना है। बड़ा हो गया हूँ मैं, इतना फैसला मैं खुद ले सकता हूँ। बहन है बहन की तरह रहे, सर पे नाचने की जरूरत नहीं है मेरे। अरे यार ये अचानक भाई को क्या हो गया है? अलग ही बिहेव कर रहा है। सर पता लगाती हूँ क्या हुआ। देख निमांशी, ब्रेकअप करने से पहले मेरी बात सुन ले यार। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ और वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है निमांशी। निमांशी मैंने माना मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सब कुछ सही कर दूंगा निमांशी। ब्रेकअप मत कर मुझसे। अवनीश तू मेरी बात सुन, तू मेरी नीड्स तो पूरी कर नहीं सकता, मेरे शौक क्या पूरे करेगा? हाँ और प्यार व्यार से ना पेट नहीं भरता है, और तू सच में एक मिडिल क्लास आदमी ही है और रहेगा, समझा? तो अपना रास्ता नाप और मुझे भी जाने दे। तू? हाँ भाई मैं। और मैडम आप सुनो, मेरा भाई आज तक किसी के लिए नहीं रोया, अगर वो आपके लिए रोया है ना तो जरूर आप उसकी लाइफ में बहुत मैटर करती हो। और रही बात मिडिल क्लास फैमिली की, तो हाँ हम हैं मिडिल क्लास फैमिली के, और इसी मिडिल क्लास फैमिली का लड़का एक दिन कुछ ऐसा करके दिखाएगा ना जहाँ तक आपकी पहुँचने की हैसियत तक नहीं होगी। और भाई तुम इस लड़की के लिए रो रहा था? एक्सक्यूज मी हाउ डेयर यू टू से दैट। एक लाफा पड़ा। आवाज नीचे, बहन है मेरी, ठीक है? जितना चिल्लाना है जितना बोलना है मेरे को बोल ले, मेरी बहन को एक शब्द मत बोल दियो, ठीक है? क्योंकि तेरे जैसी 100 लड़कियां ना मेरी बहन पे कुर्बान है। आज के बाद ना मुझे अपना चेहरा मत दिखाइयो। चल बहन। कहा था मेरा